नमस्कार दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं CBCS के, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखते हैं अधिसूचना नोटिस क्या है। अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में जिन विद्यार्थियों ने CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रमों में भाग लिया है, ऐसे विद्यार्थी दिसंबर 2021 का परीक्षा आवेदन पत्र MP ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे, जिसकी तिथि निम्नानुसार घोषित की जाती है। यानी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स है CBCS के तहत, जितने भी कोर्स हैं CBCS के तहत UTD में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के UTD यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में, उन सभी स्टूडेंटों के लिए है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है वो है 25 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक। और इस दौरान भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भर सकते हैं फॉर्म 2 फरवरी 2022 तक, और इसके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको 750 रुपये का लेट फीस लगेगा, और आप 4 फरवरी 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आप जानते हैं तो डेट ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिर लेट फीस है, तो आप कोशिश करें समय रहते फॉर्म भरें। अब आते हैं CBCS पाठ्यक्रम में एग्ज़ाम फीस क्या होगी। तो परीक्षा शुल्क का विवरण इस प्रकार से है, BSc बायोटेक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर्म है, तो 2070 रुपये नियमित छात्र के लिए लगेगा, 2070 रुपीज़ फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, और रिपीट एग्ज़ाम का होगा 1280 रुपीज़। रिपीट एग्ज़ाम जिनका होगा उनका होगा 1280 रुपये। भूतपूर्व छात्र हैं तो 2320 रुपये होगा। एक्स स्टूडेंट के लिए हो जाएगा 2320 रुपीज़। अब यहाँ पर जो भी आपको फॉर्म भरना है वो MP ऑनलाइन के माध्यम से भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आप जो भी आपका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एंटर करके, क्योंकि BSc बायोटेक तृतीय और पंचम सेमेस्टर का है, तो आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है या आपका रोल नंबर है एंटर करके आप जो है फॉर्म ओपन कर पाएंगे MP ऑनलाइन में, और फिर वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी लेनी होगी, यानी प्रिंट आउट लेना होगा जो आपने फॉर्म भरा है, और उसके बाद उसमें बाकी डॉक्यूमेंट बाकी मार्कशीट लगा के आपको आपके डिपार्टमेंट में, जो UTD के डिपार्टमेंट है वहाँ अपने डिपार्टमेंट में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, तो वहाँ से आपका जो है फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इसमें जो भी CBCS के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, और कोशिश करें आप समय रहते फॉर्म भरें CBCS के स्टूडेंटों के लिए। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।